ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार मेरे यार। दोस्तों, जो आज का दिन है मैंने डेडिकेट किया है फॉर्च्यूनर को। टोयोटा की गाड़ियां दोस्तों ऐसे मानी जाती हैं जैसे कि वो गाड़ी ले ली तो कोई और परेशानी होगी नहीं। तो क्या फॉर्च्यूनर के लिए कुछ ऐसा कोई अपडेट आई है या आने वाली है, उसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों, फॉर्च्यूनर का एक रुतबा ऐसा रहा है कि उसके सामने कोई भी गाड़ी उस स्टेज तक, उस बिक्री तक या उस रिस्पेक्ट तक नहीं पहुंच पाई, उस ड्यूरेबिलिटी के विश्वास तक नहीं पहुंच पाई जितने विश्वास पे वो गाड़ी चलती है। हालांकि एंडेवर बहुत अच्छी गाड़ी है, एंडेवर उससे बेहतर कई मायनों में है, लेकिन फिर भी उसकी बिक्री या उसकी रिलायबिलिटी के ऊपर सवाल हैं, इसके ऊपर सवाल नहीं है। चाहे वो ना हो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में शंका जो है वो दूर करने वाली गाड़ी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। पर्टिकुलरली टोयोटा की सभी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं। तो 2015 में दोस्तों अच्छे तरीके का एक नया अनावरण इसको मिला था टोयोटा की फॉर्च्यूनर को, लेकिन उसके बाद कोई भी अच्छा मेजर अपडेट इसको नहीं मिल पाया। अब दोस्तों थाईलैंड के अंदर ये गाड़ी लॉन्च कर दी गई है। क्या उसमें चीज़ें हैं, क्या उसमें अपडेट आई है, क्या उसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं और इंटीरियर में क्या चेंजेस है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे और इंडिया के अंदर आने की कब तक उम्मीद है, तो वो दोस्तों आज बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों टोयोटा की फॉर्च्यूनर थाईलैंड के अंदर लॉन्च कर दी गई है, जिसकी की कीमत रखी गई है 13,19,000 थाई बाट, यानी कि तकरीबन इंडिया के लगा के चले तो 31.5 लाख रुपए की कीमत इसकी पड़ती है। इंडिया के अंदर भी तकरीबन इसी कीमत की गाड़ी आती है, थोड़ी सी महंगी है जो टॉप वेरियंट है, लेकिन हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट आया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से शुरू। फ्रंट में दोस्तों देखने को आपको आइडेंटिकली गाड़ी चेंज लगेगी, जब आप गाड़ी को देखेंगे डिफरेंट गाड़ी लगेगी। बम्पर चेंज कर दिया गया है इसका, उसके बाद ग्रिल के आप पास आए तो ग्रिल भी चेंज कर दी गई है इसकी। वैसे शेप तकरीबन वैसी ही है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट्स काफ़ी सारे चेंज कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रंट फेशिया की, तो वो भी चेंज कर दिया गया है। एलईडी डीआरएल्स के साथ जो हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स की वैसे पोजिशनिंग सेम है, लेकिन उसकी थोड़ी सी शेप चेंज की गई है। पोजिशनिंग वैसी है, शेप चेंज कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इसको रिफ़्रेश करने की कोशिश की गई है। ये हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली नई गाड़ी है, रिफ़्रेश करने की कोशिश की गई है। तो अगर हम दूर से देखें दोनों गाड़ियों को, या पुरानी जो अब वाली गाड़ी आ रही है उसको और जो अब गाड़ी इन्होंने पेश की है नई वाली उसको देखें, जो अब लॉन्च की गई थाईलैंड में, उनको देखें दोनों गाड़ियों को, तो हम कह सकते हैं कि दोनों गाड़ियों में से कौन सी नई है कौन सी पुरानी है, इतना डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है हमें। आगे बात करें दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल में देखें तो कोई भी खास चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माइल्ड लाइफ अपडेट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें अलॉय व्हील्स डिज़ाइन चेंज, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि डिज़ाइन चेंज है जिनका, वो एक कम्प्लीटली नई रिफ्रेशिंग डिज़ाइन के अंदर आ रहे हैं। बाकी आइदर गाड़ी सेम है। रियर में चलते हैं तो रियर में थोड़ी सी टेल लाइट है, उसको थोड़ा स्लिम कर दिया गया है, और उसकी सारी जो ट्रीटमेंट है वो एलईडी में हो गई है। यानी कि फ्रंट में हेडलाइट्स की पोजीशनिंग चेंज की गई है, रियर में भी पोजीशन चेंज कर दी गई है, वो थोड़ी स्लिम कर दी गई हैं और वो एलईडी कर दी गई हैं। बस यही चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटीरियर की, एक्सटीरियर की सारी डिटेल की, तो पहले एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ का और यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, एक मैं और चीज़ नहीं जोड़ना चाहूँगा कि टोयोटा के अंदर टॉप वेरिएंट जो है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि कम्प्लीटली नई लुक देने की कोशिश की गई गाड़ी को। टॉप वाला जो वेरिएंट होगा उसके अंदर लेजेंडर नाम से वेरिएंट होगा, जिसके अंदर की रेगुलर जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर आती है उसके अंदर हमें एलिमेंट्स जो देखने को मिलते हैं वो क्रोम देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्रोम सारा हटा के प्योर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दे के उसको एक स्पोर्टी और मस्कुलर सी लुक देने की कोशिश की गई है, ग्लॉसी ब्लैक देने की कोशिश की गई है। सारी उसमें ट्रीटमेंट ब्लैक है, और उसका जो बम्पर है वो भी बहुत रिवाइज्ड है। एलईडी जो डीआरएल्स हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स लैंप्स हैं, उसकी भी पोजीशनिंग चेंज है, फॉग लैंप की पोजीशनिंग चेंज है, हेडलाइट्स भी थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। डुअल जोन के एलईडी डीआरएल्स हैं, उनके साथ मैच हुई है, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं वो।
और अगर हम देखें साइड प्रोफाइल में, तो साइड में भी हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा। वो ये है कि उसमें हमें बड़े साइज के 20 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी रियर सीट में से कोई चेंज नहीं है, रियर में वैसी की वैसी गाड़ी है। इंटीरियर में चलते हैं दोस्तों। अब इंटीरियर में अगर जब गाड़ी के अंदर बैठोगे तो कोई खास आपको, जब तक गाड़ी ऑफ है तब तक आपको देखने में कुछ खास चेंज नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीट्स, कुशनिंग, पोजीशनिंग या कलर्स वैसे ही हैं, कुछ खास चेंज नहीं है। देखने में ऐसी लगे जैसे पुरानी गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं? सबसे पहली बात कि उसके अंदर हम 7 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की बजाय अब 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम डाल दिया गया है, जो कि एप्पल कारप्ले के साथ आता है। 4.2 इंच का MID इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है, जो वो इसके अंदर थोड़ा सा माइल्डली अपडेट किया गया है, क्योंकि ज़्यादा मेजर अपडेट नहीं है उसके अंदर। एक वो हमें देखने को मिलेगा। 8-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स, ये हमें देखने को मिलेंगी, जो कि एक प्रीमियम गाड़ी की निशानी है। वो एक 8-way एडजस्टेबल है दोनों ही सीटें। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी, और गाड़ी चलाने के हमें 3 मोड देखे हुए मिलेंगे, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड। ये 3 मोड इसके अंदर जरूर मिलेंगे हमें। उसके बाद LED एम्बिएंट लाइटिंग अंदर मिलेगी, और 9 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, JBL का स्पीकर जो बेहतरीन साउंड जनरेट करते हैं। 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, और जो लेजेंडर हमारी गाड़ी है उसके अंदर इंटीरियर में कुछ और चेंज को देखने को मिलेगा। वो 8 इंच के टच स्क्रीन की जगह हमें 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज है इस गाड़ी के अंदर। इधर बाकी सारी गाड़ी सेम ही है। अगर हम बात करें सेफ्टी पैक की, तो टोयोटा का जो सेफ्टी सेंस एक पैक है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या क्या है? कोल्यूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, लेन डिपार्चर वार्निंग, रडार गाइडेड डायनेमिक क्रूज कंट्रोल, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल। अब ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी गाड़ी की स्पीड है उसके हिसाब से स्टेयरिंग अपने वेट को एडजस्ट कर लेता है। ये भी एक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा पैक है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये पता लगे जब हम हाई स्पीड में जा रहे हैं तो उसका स्टेयरिंग का वेट लाइट है तो एक्सीडेंट होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। वैसे भी क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, 7 एयरबैग्स, ये सारे सेफ्टी पैक तो आते ही आते हैं इसमें। तो सेफ्टी के मामले में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और वो इसमें भी बरकरार रखा गया है। इंजन्स के अंदर बात करूं दोस्तों, जो थायरन के अंदर जो गाड़ी पेश की गई है उसके अंदर 2.4 लीटर का जो डीजल इंजन है उसके अंदर 150 BHP पावर 400 RM की टॉर्क के साथ जनरेट की जाती है। लेकिन जो इंडिया के अंदर गाड़ी आती है वो थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके अंदर भी कुछ चेंज होंगे, उसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर जो गाड़ी आती है दोस्तों, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट आते हैं। पेट्रोल वेरियंट आता है 2.7 लीटर का, और डीजल इंजन आता है 2.8 लीटर का। दोनों के अंदर ही पेट्रोल के अंदर 5 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। जो डीजल वेरिएंट है उसके अंदर ही 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक मिलता है। अब दोनों ये दो चीज़ें हैं जो उसके अंदर हमें क्या क्या पावर देखने को मिलती है वो हम बात कर लेते हैं। 2.7 लीटर का जो इंजन है 164 BHP पावर 245 RM के टॉर्क के साथ जनरेट करता है, ये जो पेट्रोल इंजन है। डीजल इंजन 2.8 लीटर का यानी कि 2800 cc का जो इंजन है उसके अंदर 175 BHP पावर 420 RM के टॉर्क के साथ जनरेट होती है। तो दोस्तों इसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आने की गुंजाइश है। तकरीबन 200 BHP की पावर हो जाएगी डीजल इंजन की, और 50 RM की टॉर्क भी साथ में जुड़ जाएगी, तकरीबन 500 RM के करीब टॉर्क हो जाएगी। अब टॉर्क और पावर दोनों बढ़ेंगी तो इसके अंदर अब कीमत की भी बात कर लेते हैं। कीमत दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि टोयोटा हमेशा से कीमतें हर साल बढ़ा देता है, 1-1.5% तक कीमतें इनकी बढ़ जाती हैं हर साल। अब की बार जो अब कीमतें हैं इसकी वो 28.66 लाख से 34.33 लाख रुपये तक है टॉप वेरियंट की। इसके अंदर अभी हाल ही में जब BS6 में इसको कन्वर्ट किया गया तब इसके अंदर 48,000 रुपये का इजाफा किया गया था। अब इसके अंदर थोड़ा और इजाफा हो जाएगा जब ये गाड़ी लॉन्च की जाएगी। अब सवाल आता है कि ये लॉन्च कब होगी गाड़ी? तो दोस्तों ये गाड़ी तकरीबन 2021 के स्टार्टिंग में इंडिया में अंदर आ जानी चाहिए, जिसके अंदर की ये इंजन्स हैं वो होंगे चेंजेस, जो मेन चेंजेस होंगे, बाकी इधर को खास चेंज नहीं होगा, क्योंकि थाईलैंड में जो गाड़ी दिखाई गई है वही इंडिया के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस या कोई डेकल्स चेंज कर दिए या बम्पर के ऊपर कोई एलिमेंट चेंज कर दिए वो बात अलग है, लेकिन प्रॉपर गाड़ी वही आएगी जो फॉर्च्यूनर वहाँ आ रही है। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा।
क्या ये गाड़ी जो आ रही है इसके अंदर कोई और सुधार की गुंजाइश है, इंटीरियर में जो पहले थी वो अब भी वैसे ही रखा गया है, सिर्फ एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसके अंदर जो MID है वो थोड़े से माइल्ड से अपडेट कर दिए गए हैं, तो उसके अलावा कुछ और चेंज चाहिए था? अगर चाहिए था तो नीचे कमेंट में बात करते हैं ना, तो आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर मेरे को लिखिए कि कौन सी चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी, कौन सी चीज़ अभी भी अधूरी है, अभी भी उसको बरकरार करना ज़रूरी था। तो उम्मीद है ये गाड़ी भी कुछ अच्छा करेगी, जो डिज़ाइन है वो लोगों को पसंद आएगा। मैं डिज़ाइन के मामले में कभी भी अपनी पर्सनल राय नहीं देता, डिज़ाइन अपना अपना मैटर है, जो किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए, मैटर करती है ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और राइड क्वालिटी। तो इन सब चीज़ों को लेके गाड़ियाँ बहुत अच्छी चलती हैं टोयोटा की, ये भी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का जरूर बटन दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से और ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।